सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो जैसा कि मेरे व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि आप कर्नाटक इलेक्शन के लिए बताइए कि क्या उसके लिए हम स्ट्रैटेजी रखें, कि मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, क्योंकि कर्नाटका के इलेक्शंस के हिसाब से हम कह सके तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकती है। कौन सी जो अगर हम बात करें तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, तो वो एक हर्डल है, तो हमें जैसे पता लगाना है। तो अब टाइम्स नाउ जो एक न्यूज़ चैनल है उसने जो एक एग्जिट पोल निकाला है, तो बहुत से जो एग्जिट पोल्स हैं जो लोग सर्वे करते हैं कर्नाटका में जाके, उन्होंने सर्वे करा है और उन्होंने पोल निकाला है कि अभी जो वोटिंग हुई है 12 मई को, यानी कि जो मैं आज वोटिंग हुई है शाम के 6 बजे तक, किन किन लोगों ने जो वोट डाले हैं, कि सबसे ज़्यादा सीट्स किसको मिल रही है, अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो वो एक मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और कर्नाटका के अंदर कौन से स्टेट्स के उसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिल रही है और कौन से सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिल सकती है, वो सारी आज आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा। और मार्केट में उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक हायर टॉप बना चुका है और वहाँ से हम एक रेजिस्टेंस के दौर में हम ट्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ से हम एक नीचे की ओर जाते हुए देख सकते हैं। तो आपको मैं पहले एक एग्जिट पोल दिखा देता हूं। तो अब यहां पर देख सकते हैं टाइम्स नाउ की तरफ से, यहां पर सीवी वोटर है और जन की बात है और पोल्स ऑफ पोल्स है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस दिख रही होगी। तो हम कह सकते हैं जेडीएस की सबसे पहले बात करें तो जेडीएस ये किंग मेकर है, क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है तो जेडीएस उनके साथ मिल जाएगी और अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के साथ जेडीएस मिल सकती है। तो जेडीएस तो एक किंग मेकर है क्योंकि वहां पर 35 सीट्स, यानी कि हम कह सकते हैं 30 सीट्स तो मस्त है जेडीएस के लिए, और अगर उसके ऊपर मिल जाती है तो जेडीएस का सबसे ज्यादा हिस्सा बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो अभी करंट वहां का सीएम है वो सिद्धारमैया, वो सबसे पहले जेडीएस में ही था और वहां से उसने कन्वर्ट करके वो कांग्रेस के अंदर आ गया था। तो अगर कांग्रेस जीतती है, बाय चांस की बात अगर हम करते हैं, अगर कांग्रेस जीतती है तो हम कह सकते हैं कि जेडीएस के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर सिद्धारमैया जेडीएस को अपने साथ मिलाना चाहेगा या नहीं चाहेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिद्धारमैया जेडीएस के वहीं से आया और कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। तो अगर कांग्रेस बन सकती है तो हम कह सकते हैं कि जेडीएस को शायद कांग्रेस साथ में ना ले, और इसलिए कोशिश यही जारी रहेगी कि बीजेपी ही बन के आए। तो जिस तरीके से आप एग्जिट पोल देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो पोल्स ऑफ पोल्स कह रहा है कि 97% जो वोटिंग है वो 20 सीट्स है जो बीजेपी को मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं सीएनएक्स की तरफ से तो आप देख सकते हैं कि 106 सीट्स बीजेपी को मिल रही है, 75 सीट्स कांग्रेस को मिल रही है। अभी भी हम कह सकते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट्स पाई है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जिसमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी वोटिंग करी हुई है, और अगर हम उसका एवरेज निकाल के पोल्स ऑफ पोल्स निकालते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 103 बीजेपी ने जीत रही है, 103 से 86 कांग्रेस जीत रही है। और आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, अगर 103 के ऊपर कांग्रेस निकलती है तभी हम कह सकते हैं कि वो एक मेजोरिटी पार्टी बन सकती है और वो एक मेजोरिटी कर्नाटका इलेक्शन में सीट जीत जाएगी। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स की बात सुन रहे हैं, और जो अभी 6 PM से जो अभी तक का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बीजेपी ही बन सकती है कर्नाटका इलेक्शंस के अंदर अंदर ही। तो अब हमें क्या मार्केट में स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी चाहिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि मार्केट अब हायर में हाईस में ट्रेड कर रहा है, वहां से हम शायद प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं और अपने एक खास रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ट्रेस कर रहा है।
तो वहां से भी हम एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कर्नाटका के स्टेट्स ओपन करके रखे हुए हैं। अगर आप हैदराबाद की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस को सेम सीट्स मिलने की संभावना लग रही है। कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो वहां पर कांग्रेस जीत सकती है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा उन्हें सीट्स मिल रही है। सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। बैंगलोर के अंदर बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर भी बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम ओल्ड मैसूरू की बात करें तो वहां पर जेडीएस ने बहुत टाइम से अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है और वहां पर हम कह सकते हैं कि जेडीएस ही विन करेगी। तो आप वहां पर देख सकते हैं कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में रेस हो सकती है। पर जिस तरीके से हम मार्केट की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है तो मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या मार्केट स्ट्रक्चर बन सकता है 16th of May के अंदर अंदर तक। क्योंकि हम कह सकते हैं कि 15th of May को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आने हैं, यानी कि कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। तो उस तरीके से हमें देखना है कि किस तरीके के मार्केट अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगी। तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। जिस तरीके से मैंने आपका निफ्टी के लिए चार्ट ओपन करके रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं जब से मई सीरीज शुरू हुई है हमने इस लेवल को क्रॉस होते हुए नहीं देखा था। पूरे मई सीरीज में इसको हाई बना रहा था, 10,785 के लेवल को वो हाई बना रहा था और उसके ऊपर हम निफ्टी 50 को ब्रीच होते हुए नहीं देख पा रहे थे। पर जिस तरीके से हमने देखा कि 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल के पास जाके उसने अपना हाई बनाया, नहीं निफ्टी ने 10,800 के लेवल को ब्रीच करा और 10,812 के लेवल के पास जाके उसने अपना हाई बनाया, तो उस लेवल को उसने क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। तो हम कह सकते हैं कि अब इस रिट्रेसमेंट से, जो आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, इस रिट्रेसमेंट से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि ये एक हर्डल था 10,785 का, उसे ब्रीच तो उसने कर दिया निफ्टी ने, पर उसके ऊपर हम और ट्रेड होते हुए नहीं देख पाए क्योंकि हमने देखा कि 38.2 जो एक सपोर्ट का काम करता है निफ्टी के लिए और रिट्रेसमेंट के लिए, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग को वो कहाँ तक लेकर जा सकती है तो वो मैंने आपके लिए दूसरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट करके रखे हुए हैं कि जब मार्केट ओपन होगी 14 से 16 मई के अंदर तो कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत पॉजिटिव है। हमने देखा कि इसने 50 जो परसेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी और उसके बाद मैंने आपको जो टारगेट्स बताए थे कि 26,450 तक के लेवल हमें इंट्राडे में आने को मिल सकते हैं, जो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके पास ही उसने अपना हाई बनाया और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। क्योंकि हम एक्चुअली देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मार्केट ने गिरना शुरू करा था जब बजट का रिजल्ट आया था, जब बजट आया था तो हमने देखा था यहीं से इसने गिरना शुरू करा था और उसके पास जाके हमने इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी हम एक लोअर लेवल्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं और लोअर लेवल्स उसे 26,000 तक की तक लेकर जा सकता है। तो अगर हम इसका एक स्टॉप लॉस मान के चले कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना है, तो आप 26,540 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 3 दिन का ट्रेड मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर आपको जो टारगेट मिल सकते हैं वो 26,100 तक के मिल सकते हैं। मेरी कर्नाटका इलेक्शन के लिए एग्जिट पोल जो मैंने आपको समझाया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे। और कर्नाटका इलेक्शन के जो मैंने आपके लिए रणनीति बताई है उसके हिसाब से जो स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो स्टॉक्स मैंने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर रखे हुए हैं, तो आप उस वीडियो को वॉच जरूर कर सकते हैं। तो आप एक फुल फुल ट्रेड पा सकते हैं और एक शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।